पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समय पर कोरियर की डिलीवरी नहीं होने पर ट्रेनी डीएसपी ने गूगल से नंबर सर्च कर कंपनी को फोन किया तो उनके खाते से करीब 2 लाख रुपए किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। उन्हें मोबाइल पर मैसेज आने पर साइबर ठगी की जानकारी हुई। उन्होंने सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया है। साइबर ठगी का शिकार हुई ट्रेनी डीएसपी ऐश्वर्या उपाध्याय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए केस में बताया कि 18 सितंबर को उनका एक कुरियर प्रोफेशनल कुरियर सर्विस से आना था, लेकिन समय पर कुरियर नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने गूगल से कुरियर कंपनी का नंबर सर्च किया, तब कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने ऐश्वर्या उपाध्याय को बताया कि पूरा पता नहीं होने के कारण कुरियर डिलीवरी होल्ड कर दी गई है। इसी दौरान आरोपी एक ईमेल आईडी से एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर कुछ लिंक भेजे। इसके बाद मोबाइल पर लिंक को कॉपी कर भेजने के लिए कहा, जिसमें ऐश्वर्या ने मैसेज को फॉरवर्ड किया। साथ ही एक मोबाइल नंबर से भी कुछ लिंक टेक्स्ट मैसेज पर प्राप्त हुए, जिसमें लिंक के माध्यम से 2 रुपए UPI के जरिए ट्रांसफर करा लिए। डिप्टी SP ने बताया कि इसके बाद उनके खाते से 2 बार में 96,355 रुपए और 1 बार में 3,500 रुपए के अलावा दूसरे बैंक खाते से 95,328 रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। उनके मोबाइल पर मैसेज आया तो उन्हें साइबर ठगी की जानकारी हुई। सर, पुलिस अकादमी में ट्रेनी डिप्टी SP हैं, उनके साथ 1,95,000 रुपये की ठगी की गई है, क्या कार्रवाई इसमें होती है? देखिए, इसमें थाना सिविल लाइन में IPC की धारा 420 और 66 DIT एक्ट में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें हमारी जो थाने की टीम और जो साइबर सेल की जो टीम है वो काम कर रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया। जानना चाहेंगे सर, किस तरह से ठगी की गई इनके साथ? जी, इनसे उनके पास में कोई मैसेज आया था और फिर उसके बाद में उनकी UPI ID के माध्यम से ये जो ट्रांजेक्शन है ये हुआ, उसी में उनके 2 अकाउंट से इसमें पैसा कटा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।